मेरा सवाल है, मेरे पास बीएलएससी सर्विस के ना मेरे पास अलॉटमेंट है 135 रुपए के दर पे, 108 शेयर है मेरे पास, कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, एक साल से दो साल का मेरा नजरिया। देखिए बीएलएस ई सर्विसेज की बात करें तो इसका आईपीओ जनवरी 2024 में आया था, जिसमें 135 के आसपास इनका हायर एंड पे आईपीओ प्राइस बैंड था, 129 से 135। उस टाइम पे भी हमने इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी थी, लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म दोनों से, और बहुत बढ़िया चाल हमने देखी। देखा जाए तो जनवरी में ये 42 के पी मल्टीपल पे आए थे, 135 पे जब आए थे वहां से 217 रुपए अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बढ़िया गेन हो रहा है और मार्केट का माहौल थोड़ा सा भी डामाडोल है, तो मैं सारा नहीं बोलूंगी, पार्शियली, क्योंकि अलॉटमेंट के रखे हुए हैं तो पार्शियली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो कंपनी काम करती है बेसिकली ये मेजरली बैंक्स को यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मॉडल बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक पोजिशन में है, लेकिन सिर्फ मार्केट के माहौल की वजह से कुछ मुनाफा वसूली 1/4 ऑफ क्वांटिटी में वसूल करने की सलाह जरूर दूंगी, क्योंकि 135 की इनकी खरीद।